वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू फतेह डॉट कॉम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट इकोलॉजी की सीरीज़ में, उसमें हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स में हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पढ़ चुके हैं, जिसमें दो तीन प्रोजेक्ट्स और रह गए हैं। तो आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो गंजेटिक डॉल्फिन है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना नेशनल एक्वेटिक एनिमल अनाउंस किया है, राइट। तो इसके बारे में जितने भी फैक्ट्स हम पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके सारे एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें तो ये जो एरिया आप देख रहे हो मैप में ब्लू में, तो मेनली ये इसका मतलब ईस्टर्न इंडिया का जो पार्ट है, मेनली जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है वो इसका हैबिटेट है। बाकी जो इसकी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं लाइक नेपाल है, बांग्लादेश है, कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे जो रिवर सिस्टम्स हैं वहाँ पे भी इसका हैबिटेट पाया जाता है। तो गंजेटिक डॉल्फिन जो है इसका साइंटिफिक नेम है प्लेटनिस्टा गंजेटिका गंजेटिका। मेनली हमने बहुत सारे एनिमल्स पढ़े हैं, उनके साइंटिफिक नेम भी पढ़े हैं, बट कुछ मेजर जैसे कि ये इसका एक यूनिक फीचर है कि इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना नेशनल एक्वेटिक एनिमल अनाउंस किया है, तो इसके चलते इसका साइंटिफिक नेम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बिकॉज काफी जो स्टेट के पीसीएस एग्जाम्स होते हैं या फिर दूसरे एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो उनमें ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछ लेते हैं। बाकी इसका जो साउंड ये निकालता है उसकी वजह से इसको जो है वो सुसु भी बोला जाता है, राइट। सो गंगा रिवर डॉल्फिन इनहैबिट्स द गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना एंड कर्णफुली संगर रिवर सिस्टम ऑफ नेपाल इंडिया एंड बांग्लादेश, राइट। सो ये जितना भी एरिया है अगर देखा जाए तो इसको बहुत सारे थ्रेट्स हैं। आज की डेट में अगर हम बात करें तो जितने भी रिवर्स हैं, है ना, वहाँ पे सीवेज की बहुत प्रॉब्लम है। बाकी जितने मेजर रिवर्स हैं हमारे इंडिया के, वहाँ के जो हार्बर्स हैं वहाँ पे वेसल ट्रैफिक भी रहता है ना, शिप्स का आना जाना लगा रहता है, तो वहाँ पे भी नॉइज़ पोल्यूशन रहता है उस वजह से। बाकी जो आसपास एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, राइट, तो उसकी वजह से जो कई बार जो फर्टिलाइजर्स हैं, राइट, तो वो भी मिक्स हो जाते हैं। तो ये गंजेटिक डॉल्फिन की एक बहुत ही ये यूनिक फीचर भी है कि ये फ्रेश वाटर में ही पाई जाती है, मतलब ऑब्लिगेटरी फ्रेश वाटर स्पीशीज है। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम देखें तो सिर्फ चार स्पीशीज हैं डॉल्फिन की जो कि फ्रेश वाटर्स में, मतलब ऑब्लिगेटरी फ्रेश वाटर स्पीशीज हैं। बाकी काफ़ी सारे डॉल्फिन जो हैं वो मरीन इकोसिस्टम में भी पाए जाते हैं, बट मेनली चार जो डॉल्फिन की स्पीशीज हैं, एक तो ये गंजेटिक डॉल्फिन हो गई, ठीक है, एक जो है वो यांगसी रिवर है चाइना का, वहां पे पाई जाती है, एक अमेजन रिवर जो लैटिन अमेरिका का वहां पे पाई जाती है, और एक और है, ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मेनली ये फ्रेश वाटर में स्पीशीज है जो गंजेटिक डॉल्फिन है, तो इसकी वजह से जो रिवर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी ऑब्वियसली उनसे इनको जो है वो थ्रेट होगा ही होगा, मेनली इनके हैबिटेट को। एंड नाउ अर डेज जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि डिवेलपमेंट हो रही है बहुत ज़्यादा, है ना, रिवर्स के अराउंड, एंड मेनली अगर हम देखा जाए तो सागरमाला प्रोजेक्ट भी जो चल रहा है ना, बट मेजर जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है कंस्ट्रक्शन ऑफ बैरेजेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ठीक है, अलोंग द रिवर्स। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो रिवर का फ्लो है वो चेंज हो जाता है, राइट, इनका हैबिटेट लॉस होता है, और इसकी वजह से जो इनका नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, राइट। सो इट इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ब्लाइंड, ये इसके कुछ फीचर्स हैं, और ये अपना जो प्रे है उसको अल्ट्रासोनिक इकोस की हेल्प से जो है वो फाइंड करती है, जो साउंड ये प्रोड्यूस करती हैं, तो वही साउंड जो अल्ट्रासोनिक साउंड है उसको ये यूज़ करती हैं टू नेविगेट, ठीक है, टू फीड, टू एस्केप डेंजर, फाइंड मेट्स, ब्रीड, नर्स बेबीज एंड प्ले, राइट। सो गंजेटिक डॉल्फिन जो होती हैं ये बायो इंडिकेटर्स भी होती हैं। बायो इंडिकेटर्स का मतलब कि जहाँ पे भी जिस रिवर सिस्टम में ये रहती हैं उस रिवर सिस्टम की या जिस भी इकोसिस्टम में ये रहती हैं उस इकोसिस्टम की हेल्थ को इंडिकेट करती हैं, राइट। सो डॉल्फिन प्रेफर वाटर विच इज एटलीस्ट 5 to 8 फीट डीप एंड आर यूजली फाउंड इन टर्बुलेंट वाटर, जहाँ पे फिशेज जो है वो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाती हैं, ठीक है, जिनके ऊपर ये फीड करती हैं। सो डॉल्फिन जो है इट इज अमंग द 4 ऑब्लिगेट फ्रेश वाटर डॉल्फिन, द अदर 3, बाकी 3 कौन सी है, एक है यांगजी रिवर में जो पाई जाती है, ये ऑलमोस्ट अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है बाईजी, ठीक है। दूसरी जो है ये इंदस रिवर में पाकिस्तान में पाई जाती है जिसका नाम है बुलान, और तीसरी जो है वो अमेजन रिवर लैटिन अमेरिका में पाई जाती है जिसका नाम है बोटू, राइट। सो बहुत सारी, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मरीन स्पीशीज भी हैं, बट ये जो स्पीशीज हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्रेफर करती हैं रिवर्स और लेक्स में रहना। सो अगर हम इनके थ्रेट्स की बात करें, इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया,
ठीक है, एंड इज थ्रेटेंड बाय जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है या पूरा का पूरा जितना भी ईस्टर्न सिस्टम हमने सॉरी ईस्टर्न पार्ट हमने मैप में देखा है. तो मेनली उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, सबसे पहला है रिमूवल ऑफ रिवर वाटर एंड सिल्टेशन अराइजिंग फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन. अब जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन पेड़ काटे जाओ है ना, और बारिश आती जाएगी तो क्या होगा, नेचुरली जो मिट्टी है वो पानी में मतलब रिवर्स में आएगी साथ ही साथ पानी के फ्लो के साथ, है ना. तो मिट्टी जो है वह है वो इकट्ठी होती जाएगी रिवर्स में, सिल्टेशन की प्रॉब्लम होती जाएगी. देन उसके बाद इनका जो ऑयल है वो भी यूज होता है फॉर फिश अट्रैक्टिंग एंड फॉर अदर मेडिसिनल पर्पसेस के लिए. तो इसकी वजह से भी इसको जो है वो अटैक किया जाता है. देन उसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड पेस्टिसाइड्स, जो भी रिवर्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी उनसे इनको जो है वो थ्रेट हो गई होगा. देन म्यूनसिपल सीवेज डिस्चार्ज एंड नॉइज फ्रॉम वेसल ट्रैफिक, एंटेंगलमेंट इन फिशरीज नेट्स ऑब्वियसली, एंड मेजर जो रीजन है आज की डेट में दैट इज वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एग्जाम्पल गिवन वाटर एक्सट्रैक्शन एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बैरेजेस, हाई डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स. तो 1982 में ये पाया गया था कि जो डॉल्फिन है, गंजेटिक डॉल्फिन है, उसकी अराउंड 4000 से लेके 5000 स्पीशीज जो है वो पाई मतलब अवेलेबल हैं. बट आज की डेट में अगर हम देखें तो बहुत ही कम रह जाती हैं. एक सर्वे किया था WWF इंडिया ने अपने कुछ पार्टनर्स के साथ मिलके अलोंग द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, जिसका अराउंड अराउंड स्ट्रेच जो है वो 6000 किलोमीटर है. और ये पाया गया था कि उस स्ट्रेच के अराउंड जो डॉल्फिन्स हैं वो 2000 से भी कम है उनका नंबर, राइट. तो चाहे इनका नंबर काफ़ी कम है बट स्टिल अगर हम कंजर्वेशन मेजर्स अडॉप्ट करें तो इन्हीं पॉपुलेशन से हम इनकी जो फर्दर पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, राइट. सो लॉस ऑफ हैबिटेट जो है ये मेजर रीजन है आज की डेट में जो डॉल्फिन्स का नंबर डिक्लाइन हो रहा है. और उससे रिलेटेड जो मेजर प्रॉब्लम है वो है जितने डैम्स वगैरह जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, मोर देन 50 डैम्स और इरिगेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इनके हैबिटेट्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट जा रहा है. उससे क्या होता है कि रिवर का जो फ्लो है वो चेंज हो जाता है, उसके रिवर की क्वालिटी में चेंज हो जाता है. तो ऑब्वियसली इन सारे चीज़ों का इम्पैक्ट क्या आएगा, जो रिवर में स्पीशीज रहती हैं उनके ऊपर, है ना. सो एज अ रिजल्ट देयर हैज बीन सीरियस डिक्रीज इन फिश प्रोडक्शन, वाइल द एक्सट्रैक्शन ऑफ रिवर वाटर एंड सिल्टेशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन आर ऑल्सो डिग्रेडिंग द स्पीशीज हैबिटेट. इन सम केसेज हैबिटेट ऑल्टरेशन हैव रिजल्टेड इन गंजेटिक आइसोलेशन ऑफ डॉल्फिन पॉपुलेशन. तो अगर हम बात करें इसको इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट के बारे में, तो गंजेटिक डॉल्फिन जो है इट फॉल अंडर स्केड्यूल वन ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. जैसे कि मैंने आपको बताया था स्केड्यूल सिक्स है, मतलब प्रोटेक्शन की जो डिग्री होती है कि किसको कितनी प्रोटेक्शन देनी है, तो जितने मतलब मेजर प्रोटेक्शन जो है वो स्केड्यूल वन और टू के अंडर दी जाती है. तो गंजेटिक डॉल्फिन इज प्लेस्ड अंडर स्केड्यूल वन ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट एंड हैव बीन डिक्लेयर्ड एज एंडेंजर्ड स्पीशीज बाय द IUCN. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है याद रखने के लिए. सो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने ये जो गंगा रिवर डॉल्फिन कंजर्वेशन प्रोग्राम था ये 1997 में लॉन्च किया था. बेसिकली इसके पॉपुलेशन स्टेटस को चेकआउट करने के लिए, उसका डेटाबेस तैयार करने के लिए और फर्दर उसके कंजर्वेशन के लिए कुछ मेजर्स अडॉप्ट करने के लिए. तो विक्रमशिला गंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी जो बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है वो इंडिया की इकलौती एक डॉल्फिन सेंचुरी है, विच इज स्प्रेड ओवर 50 किलोमीटर अलोंग द रिवर गंगा. फर्दर टू मिटिगेट द आइडेंटिफाइड थ्रेट्स, WWF ने लोकल कम्युनिटीज को भी एनकरेज किया अराउंड जितना भी गंगा रिवर है उसके अलोंग जितना भी स्ट्रेच है कि वहां पे कोशिश की जाए कि नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज हों और ऐसा जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज है ना या सीवेज है वो वहां पे डंप ना किया जाए और वहां पे जो भी सैंड माइनिंग जैसी एक्टिविटीज होती हैं या कमर्शियल फिशिंग वगैरह होती हैं तो उनके ऊपर चेक लगाया जाए. एंड WWF आल्सो